जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जी, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजय और आपके लिए लेकर आया हूँ SSC GD 2025 के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो इससे पहले हमारे 22 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उन सभी को आप जरूर देखिएगा। जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जी, वाक्यांश है यहाँ पर, जो ईश्वर को न मानता हो उसको हम क्या बोलते हैं? जी, जो ईश्वर को न मानता हो। प्रत्येक प्रश्न में आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जी, यहां पर हमारा प्रश्न नंबर एक है, जो ईश्वर को न मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, नास्तिक शब्द। जी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहां पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? जी, सभी लोगों को आंसर करना है प्रश्नों का। जी, प्रश्न नंबर दो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, नक्षत्र शब्द। जी, शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर तीन में, नक्षत्र में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है सौम्य, सौम्य का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है साध्य, कुटिल, उग्र या सभ्य। प्रश्न नंबर तीन, जी, सौम्य का विलोम शब्द। यहां पर प्रश्न नंबर तीन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, उग्र शब्द। जी, सौम्य का विलोम शब्द है उग्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। वाक्य हमारा, कपिल देव ने पहले ओवर की पहले गेंद पर रिचर्डसन को आउट कर दिया। जी, प्रश्न नंबर चार, इसमें कौन से भाग में त्रुटि है, उस भाग को हमें पहचानना है। जी, प्रश्न नंबर चार, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। जी, पहले ओवर की पहले गेंद पर, यहां पर क्या होना चाहिए? कपिल देव ने पहले ओवर की पहली गेंद पर पहली आना चाहिए था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। वाक्यांश हमारा, जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या बोलते हैं? जी, सभी लोग आंसर करेंगे प्रश्नों का, जिसे त्याग देना उचित हो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, त्याज्य शब्द। जी, जिसे त्याग देना उचित हो उसको हम बोलते हैं त्याज्य। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य हमारा, भाई की शादी पर दीपक रिक्त स्थान से भरकर नाचने लगा। जी, प्रश्न नंबर छह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, उल्लास शब्द। जी, भाई की शादी पर दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यहां पर एक शब्द दिया गया धरती, धरती का समानार्थी शब्द कौन सा है? यहां पर सभी लोगों को आंसर करना है प्रश्नों का। जी,
प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेदिनी शब्द। जी धरती का जो समानार्थी शब्द दिया गया है वो दिया गया है मेदिनी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यहां पर एक वाक्य दिए गए, वाक्य के में एक रेखांकित शब्द है, जहां पर यहां पर मजदूरों ने उस काम समाप्त नहीं किया, इसके स्थान पर हम कौन सा सही शब्द प्रतिस्थापित कर सकते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। जी प्रश्न नंबर 8, मजदूरों ने उस काम समाप्त नहीं किया, इसके स्थान पर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया। जी सही वाक्य हो जाएगा, सूर्यास्त हो गया पर मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। जी वाक्य हमारा, रिक्त स्थान की स्वतंत्रता की धात्री है। जी इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नम्रता। जी नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य हमारा, राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार रिक्त स्थान किया। ऑप्शन है प्रदान, अनुदान, समर्पण या फिर दान। जी इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रदान। जी राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करें। जी वाक्य हमारा, उसने अपने घर आने के लिए आग्रहपूर्ण होकर कहा। जी प्रश्न नंबर 11, जी प्रश्न नंबर 11, इस वाक्य में त्रुटि पहचानी है आपको। जी इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आग्रहपूर्ण होकर कहा। जी उसने अपने घर आने के लिए आग्रहपूर्ण होकर कहा, यहां पर आग्रहपूर्ण की जगह पर दूसरा शब्द आएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य हमारा, वहां असंख्य जनसमूह उमड़ पड़ा, असंख्य के स्थान पर कौन सा दूसरा शब्द हम यूज कर सकते हैं। जी प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपार शब्द, वहां अपार जनसमूह है उमड़ पड़ा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य हमारा, माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा है। जी
प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर एक, माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा है। जी ऑप्शन ए आपका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। जी जी प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रज्वलित शब्द। जी ऑप्शन डी आपका शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। जी वाक्य हमारा, वह बड़ा जबरदस्त शिकारी है या शिकारी था। जी प्रश्न नंबर 15, जी प्रश्न नंबर 15 इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जबरदस्त शब्द। जी वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था। जी नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यहाँ पर एक आपको गद्यांश दिया गया है, गद्यांश में कुछ रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 है, गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। जी प्रश्न नंबर 16 वाक्य पढ़ते हैं, कुत्ते को पालना बहुत ही रिक्त स्थान अनुभव है। जी प्रश्न नंबर 16 इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आनंददायक। जी कुत्ते को पालना बहुत ही आनंददायक अनुभव है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान दो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। जी अनुभव है कि आगे देखते हैं, सभी पशु नहीं पाले जा सकते, कुत्ता सबसे अधिक रिक्त स्थान पशु है। जी रिक्त स्थान दो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पालतू। जी कुत्ता सबसे अधिक पालतू पशु है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। जी सभी लोगों को आंसर करना है ध्यान से प्रश्नों का। जी रिक्त स्थान 3 इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मालिक शब्द। जी उसे स्नेह और भोजन देने वाला मालिक चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। जी प्रश्न नंबर 19 इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोटी शब्द। जी कुत्ते, जी यहां पर रिक्त स्थान 4 है, कुत्ता की रोटी भाषा जानता है। जी कुत्ता रोटी की भाषा जानता है, यहां पर कुत्ता के बाद में रिक्त स्थान होगा। जी की बाद में आएगा आपका, कुत्ता रोटी की भाषा जानता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। जी रिक्त स्थान 5 वाक्य पढ़ते हैं, कोई भी मनुष्य रोटी का टुकड़ा डालकर उसे अपना रिक्त स्थान बना सकता है।
जी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेवक। जी, कोई भी मनुष्य रोटी का टुकड़ा डालकर उसे अपना सेवक बना सकता है। जी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट 23। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी, आज आपके कितने प्रश्न सही हुए वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। जी, सभी जो भी प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं सभी का आपको रिवीजन जरूर करना है। जी, चलिए कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 24 के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।